ट्राई किया जाए एंड उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए क्योंकि कुछ केमिकल बेस्ड फेस वॉश जो होते हैं वो आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी निकाल देते हैं आपकी स्किन का पी बैलेंस इधर उधर हो जाता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होने लगती है इस फेस वॉश को यूज करते हुए मुझे एक हफ्ते हो गए हैं एंड मुझे लगता है कि इसका रिव्यू मैं अब अच्छे तरीके से कर सकती हूँ सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग ऑल राइट गाइज तो जिस फेस वॉश की मैं बात कर रही थी वो है ये कामा आयुर्वेदा का मृदुल फेस वॉश जिसका प्राइस है सेवन नाइनटी फाइव रुपीज आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एंड कामा के प्रोडक्ट पे ऑफर वगैरह डिस्काउंट वगैरह थोड़ा कमी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मिलेगी फोर्टी ग्राम्स की क्वान्टिटी एंड जिसकी सेल्फ लाइफ है टू ईयर्स की कुछ इस तरह के स्टील के एयर टाइट कंटेनर में आपको ये रिसीव होगा इसका कंटेनर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि स्टील है किसी भी तरह का कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं है जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है एंड सारी डिटेल आपको इसके बैक पर मिल जाएगी लाइक इन्ग्रीडियंट लिस्ट वगैरह इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए लाइक like इसमें नीम है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है अगर आपकी स्किन पर किसी भी टाइप का एक्ने है पिम्पल है तो इस उस पर बहुत अच्छा काम करेगा इसमें चंदन है जो कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हो हो गई है सनबर्न वगैरह गए हैं तो उसको ये करेगा काम डाउन करेगा एंड आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करेगा चंदन जो होता है वो आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा काम करेगा क्योंकि चंदन मैंने वैसे भी डी वगैरह में डी जो घर में मैं बनाती हूँ उसमें यूज करके मैंने देखा है तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है इसमें चिकपी है रोज वाटर है इसमें आलमंड है जो कि आपकी स्किन को माइल्ड एक्सपोलियेट भी करेगा आपकी स्किन अगर एक्सपोलिएट रहेगी डेड स्किन वगैरह नहीं रहेगी तो आपकी स्किन थोड़ी सी यूजफुल दिखेगी ग्लोई दिखेगी और ये सारी चीजें ही नेचुरल है तो इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होगा एंड इसमें किसी भी टाइप का प्रिजर्वेटिव नहीं है ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है और इसमें कोई भी कलर वगैरह भी नहीं है ऑल्सो तो ये क्रलिटी फ्री भी है और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट दिखता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है ये प्रोडक्ट वैसे ना प्लास्ट प्लास्टिक में ये पैक था और देन इस कंटेनर के अंदर था आप देख सकते हो कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है एंड मैं इसको इवन डेली ही यूज़ करती थी क्योंकि ये फेस वॉश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा एंड इस तरह का इसमें ना आपको एक स्पैचुला टाइप स्पून टाइप आप बोल सकते हैं मिलेगा जो कि उड का है तो काफ़ी क्यूट लग रहा था और इस तरह का पाउडर फॉर्म में है और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो आयुर्वेदिक टाइप की है थोड़ी सी जैसे हर्ब्स वगैरह की होती है और इसको आपको यूज़ कैसे करना है इसको बस आपको इतना सा लेना है या आप थोड़ा सा ऑल ले सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग लाइक टू स्पून ले सकते हैं एंड इसको आप आपको अपने पाम पे लेना है या आप चाहे तो किसी ना बाउल में ले सकते हैं और उसमें आपको मिक्स करना है नॉर्मल वाटर या रोज़ वाटर आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर जो कि अगेन है कामा आयुर्वेदा का क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं यूज़ ही कर रही हूँ तो मैं क्यों ना दोनों चीज यूज करूं कामा की ही और ये है कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर जिसका प्राइस है फोर ट्वेंटी फाइव रुपीज और जिसमें आपको मिलेगी फिफ्टी एम की क्वांटिटी एंड जिसकी सेल्फ लाइफ है टू ईयर्स की कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा इसका जो स्प्रे है ना बहुत ही ज्यादा फाइन है मुझे इसका, इसका स्प्रे बहुत ज्यादा पसंद आया लाइक कुछ स्प्रे होते हैं ना जब आप उनको फेस पे स्प्रे करेंगे तो ड्रॉप ड्रॉप मतलब कहीं पे अच्छे से रहेगा तो कहीं पे बिल्कुल ही नहीं रहेगा तो मैं मतलब ईवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बट इसको जब आप स्प्रे करेंगे तो ईवेली आपके फेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसमें जो रोज़ का यूज़ हुआ है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रोज़ यूज़ हुआ है एंड जो इसका प्रोसेसिंग आ, सिस्टम भी है वो भी काफ़ी सेफ़ तरीके से है मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं है और जब भी आप कोई आयुर्वेदिक या प्योर चीज़ यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लाइक जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है जैसे कि अगर रोज आप कोई आर्टिफिशियल रोज़ की फ्रेगरेंस आप लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बट ये नेचुरल जो रोज़ की फ्रेगरेंस होती है जैसे आपने कभी अगर फ्लावर लिया हो तो बिल्कुल वैसी ही है आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किसी भी टाइप का केमिकल नहीं है और अब मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा देती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है जनरली मैं इसको पार्म पर लेके ही यूज़ करती हूँ बट अभी मैं यहाँ पर अगर ऐसा करूँगी तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ले सकते हैं आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर है मैंने इतना सा रोज़ वाटर लिया है और यू कैन सी कि इसमें कोई भी कलर नहीं है कई कई रोज़ वाटर होते हैं ना जिसको पिंक कलर दिखाया जाता है बट रोज़ वाटर जो होते हैं वो पिंक नहीं होते हैं उसमें वो आ, कलर डालते हैं तो मैं इतना सा ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं और लूँगी क्योंकि अभी मेरे मेक आ, फेस पे थोड़ा सा मेकअप है लिपस्टिक है आप देख सकते हैं सो so, थोड़ा सा मैं ऑल लूँगी और ये मेकअप को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है ऑनेस्टली इसलिए जब मैंने इसको लिया था तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे लगा था नॉर्मल एक यू नो पाउडर बेस्ड फेस वॉश होगा बट जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आ, ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देगा एंड आपकी स्किन का जो टेक्सचर है ना उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा लाइक ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर लगेगा आपके जो पोर्स वगैरह हैं उनको अच्छे से ये क्लीन कर देगा तो मतलब दो तीन यूजेस में ही आपको अपनी स्किन के टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने लगेगी और इस तरह से आपको लेना है अभी ये थोड़ा सा ड्राई है तो मैं इसमें और थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लेती हूँ ताकि एक फाइन पेस्ट बन जाए ये इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा जब तो आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और मैं बता दूँ ना कि इसको आपको फेस पैक की तरह नहीं रखना है कि आपको इसे ड्राई होने तक अपने स्किन पे छोड़ देना है जस्ट इसको अप्लाई करना है अप्लाई करने के बाद आपको जेंटली मसाज टाइप का करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी एक्सफोलिएट भी हो जाए और चाहे तो आप एक मिनट तक रख सकते हैं अपने फेस पे एंड देन उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना है इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन डीप क्लीन हो गई है डेड स्किन वगैरह निकल जाती है अगर छोटे मोटे ब्लैक हेड्स हैं तो वो भी निकल जाते हैं या अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत टैन है ना तो उस पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड इसके बाद आप अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं रोज़ वाटर को ही मैंने एज आ टोनर यूज़ किया एंड देन मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया एंड देन मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया और यू कैन सी कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन दिख रही है सो आई थिंक आपको इस फेस वॉश के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप इसको चाहे तो अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं या इवनिंग स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं एक अच्छा सा आयुर्वेदिक सा नेचुरल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए वो सबका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से ट्राई कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर